जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त। तो आज स्कूल पे पार्टी है परी की, 15 अगस्त की। एक दिन पहले मनाते हैं और 15 अगस्त वाले दिन छुट्टी करते हैं। तो मैंने इसके लिए साड़ी बनाया था। अगर आपको साड़ी की वीडियो देखनी है तो मेरी वीडियो में जाके आप देख लो किस तरह मैंने। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगी कैसे बच्चों को भारत माता बना के स्कूल में भेजें। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ वगैरह पहना दिया, उसके बाद हुक वाली मैंने साड़ी बनाई है उसको पहनाया। उसके बाद हम प्लेट को सेट करेंगे बच्चे के हिसाब से, जैसे जितना मतलब आराम से बच्चा संभाल ले, ज़्यादा चौड़ा नहीं। तिरंगा आना चाहिए 3 कलर बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो देख लेना, और थोड़ी सी भी भारत माता से प्यार करते हो और अपने देश के हो, सच्चे हो, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने पिन लगा दी, फिर एक बार और पिन लगा दिया नीचे कि पल्लू इधर उधर फिसले नहीं। फिर उसके बाद बीच में सेट करके मैंने बीच में भी लगा दिया है एक पिन, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद साड़ी को अच्छे से हम ठीक कर देंगे यहाँ से। उसके बाद इसको लेट हो रहा था तो मैंने उदय जी से बोला आप बीच बीच में इसको खाना भी खिलाओ, तो इसके लिए मैंने खीर बनाया था आज। और उसके बाद दो मैंने मोतियों वाले माला पहनाए इसको, दूसरा हार वगैरह नहीं जा रहा था इसके साथ, तो मैंने कहा ये माला ठीक है, अगर 3 कलर में होता तो और भी अच्छा होता, बट मुझे ग्रीन और वाइट मिल रहा था तो ऑरेंज मिला नहीं, इस करके मैंने सिर्फ वाइट ही ले लिया। उसके बाद मैंने हाथ में एक बैंड पहनाया तिरंगे वाला, दो था एक मिल ही नहीं रहा था टाइम पर। उसके बाद मैंने इसके करें हेयर, सिर्फ ऐसे ही फोल्ड करके दो क्लिप लगा दिया है क्योंकि टिक्का लगाना है और मुकुट लगाना है। उसके बाद हम टिक्का अटैच करेंगे। करने के बाद अब हम करते थोड़ा सा मेकअप। फाउंडेशन लगाया परी को, उसके बाद फेस पाउडर लगाया मैंने थोड़ा सा, आँखों में बेचारी के लग गया था थोड़ा सा, जो आंसू आ रहे थे जिस करके मैंने आईलाइनर नहीं लगाया। उसके बाद मेरे पास आईलाइनर था, स्पार्कल वाले आईलाइनर थे ग्रीन और मतलब ऑरेंज कलर में मैंने लगा दिया था, ऐसे डॉट डॉट करके दो कलर में, नहीं वाइट था, हाँ वाइट और ग्रीन था, ऑरेंज मेरे पास नहीं था, इस करके वाइट और ग्रीन में लगा दिया। और दो बिंदी मैंने लगाया ग्रीन और ऑरेंज, और उसके बाद आई शैडो मैंने लगाया ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। ये दो मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये वाइट तो होता नहीं है, बट ये भी तिरंगा जैसा ही लगने लगता, अच्छा लगता है। उसके बाद ये सब करने के बाद हल्का सा हाइलाइटर लगाया, और देखो इधर खाना भी खा रही है। उसके बाद मैंने इसको इयररिंग पहनाए, अभी छेद नहीं हुआ है कान में, बट दूसरा वाला इयररिंग था जो सिर्फ फंसा दें बस। तो ये दो इयररिंग पहनाए हमने। उसके बाद कंघे करके टिक्का मैंने आगे करा, और उसके बाद किया है मुकुट वाला काम, मुकुट मैंने लगा दिया। ऐसे ही आपको रेडी करना अपने बच्चों को, अगर आपके पास दूसरा वाला टिक्का है तो भी लगा, अगर आपके पास नथ है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। परी का नाक छेदा भी नहीं गया है, इस करके मैंने टिक्का नहीं मतलब नथ नहीं पहना है। उसके बाद लास्ट आती है लिपस्टिक, इन्होंने खाना खा लिया, उसके बाद मैं इसको लिपस्टिक लगा रही हूँ इस तरह से। तो एक चीज़ की कमी और लग रही थी, मुझे बनाना था करधन बेल्ट, जिसको भी बोल सकते हो। तो मैंने बेल्ट नहीं बना पाई, मैं 3 कलर में भूल गई थी, तो मेरे पास एक वाइट लेस पड़ी हुई थी तो उसको लेके मैंने अच्छे से कमरे में बांध दिया। अगर तिरंगा वाला होता तो और भी बेस्ट होता, बट ये भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं साड़ी थोड़ा सा ऊपर कर दिया क्योंकि इसको बार बार ये ना नीचे करी जा रही थी, मैं कहा बेटा नीचे नहीं करना। उसके बाद मैंने लेस बांधा तो अच्छा लुक आने लगा, आप देख सकते होंगे। मेरी माता रानी रेडी हो गई। अगर आप देशभक्त हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। ओके बाय, अब मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, बाय बाय।